और जो गलती हमने यस जो गलती इटली स्पेन फ्रांस जर्मनी इन देशों ने की वो प्लीज़ हमारे भारत में मत कीजिए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। हेलो गाइस, तो आज कुछ मेन टॉपिक पे आज मैं बात करने वाला हूँ। तो जैसा हम सबको मालूम है, कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया। तो ये इस कर्फ्यू में हमें अपना सपोर्ट दिखाना है, और भारतवासी होते हुए हमें ये एक पहला मौका मिला है देशभक्ति के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सपोर्ट करें और घर से बाहर ना निकले। 14 घंटे का बात है, और 12 घंटे में सुने ये जो होते हैं वायरस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए, तो हमें इसमें पूरा सपोर्ट दिखाना है। तो उसके लिए मैंने कुछ लाइन लिखे हैं कोरोना वायरस के ऊपर, और अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और तो शुरू करते हैं, और लास्ट में मैं एक दो बात और बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। करोना करोना करोना, ओ भाई करोना, पूरे विश्व में तबाही मचा दिया है, मगर भारत में ऐसा मत करो ना। फिर मैंने सोचा, इससे हम सब मिलकर लड़ो ना। इससे लड़ने के लिए कुछ निम्न काम करो ना, जैसे दिन में 7 से 8 बार हैंड वॉश करो ना, मुंह पर मास्क लगाओ ना, घर से काम से ही बाहर निकलो ना, भीड़ भाड़ से दूर रहो ना, बुखार सरदर्द सांस लेने में तकलीफ़ हो तो डॉक्टर को दिखाओ ना, जिस व्यक्ति को जुखाम सर्दी हो उससे 1 मीटर की दूरी बनाओ ना, ये काम करो ना तब दूर रहेगा करोना। करोना पर व्यापार मत करो ना, 20 वाला मास्क का दाम 50 रुपये क्यों करो ना, 100 वाले स्प्रिट का दाम 350, भाई ये क्या है करोना। अगर ऐसा करोगे तो कैसे करोना से लड़ेगा हमारा देश, आप ही बताओ ना। जर्मनी इटली की न्यूज़ से भी डरो ना, अभी भारत सेकेंड स्टेज पे है, थर्ड स्टेज को दूर ही रखो ना, भाई अब तो कोरोना से डरो ना। भारत सरकार द्वारा जो सूचना मिली उस पे अमल करो ना, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू को हम सब मिलकर सार्थक बनाओ ना। तो प्लीज़ सपोर्ट करो ना, प्लीज़ सपोर्ट करो ना, 22 मार्च को हम सबको सपोर्ट करना है। तो ये जो मैंने लाइन लिखी है, तो ये मैंने खुद से लिखी है, अगर आपको अच्छी लगी तो बताना। और आज सुबह मेरे ग्रुप में एक मैसेज आया था, तो वो ऑडियो आप पहले सुन लें। हाँ, कल जो हैगा ये 2 से 5 तक मोबाइल आप लोग अपने बंद रखिएगा, ठीक है। इंडिया में जहाँ तक हो सबको बता दिए, बात फैला दिए, क्योंकि 2 से लेके 5 तक कल फ़ोन आ सकता है बीजेपी की तरफ से, ये फ़ोन रिसीव नहीं करना है, ठीक हैगा। ना तो मिस कॉल आए, ना तो पलट के बात, ना फ़ोन करना है पलट के, ठीक हैगा। क्योंकि 4 करोड़ मुसलमानों की सहन या फ़ोन चले गए या रिसीव हो गए, तो समझ लीजिए नागरिकता 100% पास होनी या आखिरी उम्मीद है। सब लोग ध्यान रखें इस बात का। तो आपने ये ऑडियो सुना, यहाँ हम सब कोरोना से लड़ रहे हैं, तो ये NRC और CAI पे अभी लगे हुए हैं। तो भाई, इतने हमारे प्रधानमंत्री जी को टाइम नहीं है कि आपके लिए फ़ोन करें NRC और CAI के लिए कि आप एग्री हैं या नहीं हैं, इसके लिए इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। यहाँ हम सब कोरोना वायरस से लड़ लें पहले। कोरोना वायरस अभी सेकेंड स्टेज पे है अपने भारत में, और थर्ड स्टेज पे ना आए इसके लिए हम सबको ये 22 मार्च को अपने घर में रहना है, और इसमें पूरा अपना सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसा आप सबको पता ही चल रहा है, क्योंकि मैंने भी न्यूज़ में और यूट्यूब पर गूगल से ये सब जानकारी इकट्ठा की। तो मैंने सोचा कुछ यूट्यूब पर मुझे भी बताना चाहिए, जो मेरा अपने तरफ से कुछ जो मतलब नॉलेज है शेयर करना चाहिए। तो मैंने आपसे ये नॉलेज शेयर किया, आपको कैसा लगा वो बता दीजिएगा नीचे। और जैसा कि जानते हैं, कोई भी बीमारी होती है 4 स्टेज तक चलती है, जैसे 4 स्टेज में होती है। जैसे फर्स्ट में हुआ, कोई भी आदमी है बाहर से लेके आया उस वायरस को, तो वो फर्स्ट स्टेज होता है, और वो अपने परिवार वाले मेंबर में फैला रहा है, तो वो सेकेंड स्टेज होता है, और वो परिवार वाले आप पड़ोसी को दे रहे हैं, पड़ोसी वाले अगल बगल में दे रहे हैं, तो वो थर्ड स्टेज होता है, और वही पूरे देश में बांट रहे हैं, तो वो हो जाता है 4 स्टेज। तो हम सब अभी सेकेंड स्टेज पे हैं, और इसको हम सब बचा सकते हैं अभी। तो 12 घंटे तक ये कोरोना वायरस का जो है चलता है, मतलब ज़िंदा रहता है, तो हमें 14 घंटे घर में रहना है। तो सपोर्ट करना है इसको,
और पूरा सपोर्ट दिखाना है। आपातकालीन सिचुएशन ना आए तो इसके लिए हमें पूरा सपोर्ट करना है, और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैंने ये वीडियो भी बनाया। और एक यहीं के भैया हैं जो जर्मनी में रहते हैं, और उन्होंने वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो वहाँ रहते थे, उन्होंने वीडियो के द्वारा शेयर किया था कि किस तरह लोग वहाँ पे 6 दिन तक अपने घर में बंद रहे थे। और इटली और जर्मनी में इतना जल्दी से ये जो स्टेज बढ़ा, सेकेंड स्टेज में था और 4 ही दिन बाद थर्ड स्टेज आ गया, तो सोच सकते हैं इतना अगर सिचुएशन बिगड़ जाएगा तो यहाँ पे, तो वहाँ मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा कम है, तो हम सबको थोड़ा सपोर्ट दिखाना है इसके लिए। नमस्ते, मेरा नाम राकेश है और मैं जर्मनी के फ्रैंकफर्ट इस शहर में हूँ। आज 6 दिन के बाद बाहर निकला और मेरे जैसे कई सारे लोग हैं जो आज काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग डरपोक है, लेकिन जब तक अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़त्म नहीं हो जा रही है, कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो हमारे देश में ये सोच रहे हैं कि कोरोना भारत में आ नहीं सकता, फैल नहीं सकता, या फिर मैं बहुत यंग हूँ, हमारे यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो ये सेम गलती कि फैल नहीं सकता, ये सेम गलती जो है 2 हफ्ते पहले इटली ने की थी, स्पेन ने की थी और फिर जर्मनी ने की थी। क्योंकि इनका काउंट अगर आप देखें, स्टेज 1 जो हुआ था 4 मार्च को, यहाँ पे सिर्फ 500 से 600 केसेस थे। स्टेज 2 जो था 14 तारीख, तो यहाँ पे 14 तारीख को शायद 5000 केसेस थे, और स्टेज 3 में आज ये पहुँच चुके हैं 19 तारीख। केवल 4 दिन में यहाँ के केसेस जो है 15000 के आसपास बढ़ चुके हैं। तो प्लीज़ ये गलती आप मत कीजिए हमारे देश में। घर पर रहिए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि यार हमारे देश में अगर ये फैल गया ना तो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये देश जो है ये बहुत एडवांस्ड है, इनके पास हॉस्पिटल्स और इनका जितना पॉपुलेशन है ना, उसके कंपैरिजन में हॉस्पिटल्स और वो बहुत ज़्यादा है। हमारे देश का पॉपुलेशन है 1.3 बिलियन। हमारे यहाँ अगर ये फैलना चालू हो गया तो रोकना मुश्किल हो जाएगा। और यार ये लोग जो है ना, ये इतने सोशल है नहीं, ये ज़्यादा मिलते गुलते हैं नहीं, फिर भी इनके यहाँ इतने तेज़ी से फैल रहा है। और सपोर्ट पूरा देना है और 22 मार्च को घर से बाहर नहीं निकलना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, और ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है।